तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी, सुन ले तू अब अच्छे से, रिकॉर्ड भी कर ले, है ना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर, तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा हो, तू आएगा मेरे सामने दो जूते मैं मारूंगी तुझे। ये ऑडियो रीवा में वायरल है। वायरल वीडियो में कथित तौर पर चाकघाट थाना प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी की आवाज है, जिसमें वो एक शख्स को हड़का रही हैं और जूते मारने की चेतावनी दे रही हैं। हालांकि जब ऑडियो वायरल हुआ तो उषा सिंह सोमवंशी का बयान आया और उन्होंने वायरल ऑडियो को आधा अधूरा बताते हुए पूरी कहानी बता दी। ये आप लोग के मीडिया जगत के माध्यम से जानकारी मिली और उस मामले में जो फरियादी है वो अभी मेरे कार्यालय भी आया था, उसने अपनी व्यथा बताई है। कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर के, उनके पारिवारिक इश्यूज को लेकर के उनमें वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। और जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं तो इस मामले को देखा जाएगा, इसकी तस्दीक की जाएगी कि उस मामले में किसकी बातचीत चल रही है और क्या हो रहा है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रीवा के चाकघाट थाने की प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी का कथित ऑडियो सामने आया है। वे फरियादी से कह रही हैं, तेरे नेताजी की ऐसी की तैसी, तू सुन ले अच्छे से और रिकॉर्ड भी कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राजनीतिक दबाव का, फालतू की बकवास ना कर, तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा था, तू आएगा मेरे सामने दो जूते मैं मारूंगी तुझे। तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी, सुन ले तू अब अच्छे से, रिकॉर्ड भी कर ले, है ना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर, तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा हो, तू आएगा मेरे सामने दो जूते मैं मारूंगी तुझे। फरियादी अपने पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहता था। ऑडियो पर उषा सिंह सोमवंशी का कहना है कि इसे काट छांट कर उनकी छवि धूमिल करने के लिए गलत ढंग से पेश किया गया है। महिला TI ने कहा, पडरी गांव का अभय द्विवेदी पिता के खिलाफ 8 मई की रात शिकायत करने आया था। उसका कहना था कि पिता ने उसे पीटा है, लेकिन मारपीट इतनी ज्यादा नहीं थी। मुंशी ने NCR नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट काट कर उन्हें दे दी थी। जब हमने गांव में पता किया था, दोनों भाइयों का कूलर में पानी डालने को लेकर विवाद हुआ था। इनके पिता प्रधान आरक्षक कामता प्रसाद द्विवेदी कवर्धा छत्तीसगढ़ में नक्सलाइड इलाके में पदस्थ हैं, बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियों में वहां ड्यूटी करते हैं। इनके दोनों बेटे अभय और रोहन अक्सर जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, पिता पर जमीन जायदाद अपने नाम कराने के लिए प्रेशर डालते हैं। उधर कामता प्रसाद द्विवेदी ने बेटों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है, वे छुट्टी पर घर आए हुए थे। उन्होंने कहा, सच्चाई ये है कि बेटे आए दिन नशा करते हैं, मेरे से अनाप शनाप पैसा मांगते हैं, उस दिन दोनों भाई आपस में झगड़े थे, दोनों को मैंने अलग किया था। फरियादी अभय द्विवेदी का आरोप है कि मेरे साथ मारपीट की गई थी, रात 2 बजे तक थाने में बैठा रहा, FIR नहीं लिखी गई, NCR काट कर वापस भेज दिया गया, मेडिकल भी अधूरा कराया गया है, मैं काफी चोटिल था, 5 से 6 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, जब कार्रवाई नहीं होने पर मैंने थाना प्रभारी उषा को फोन लगाया तो उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया। अभय द्विवेदी नाम है मेरा, ग्राम पडरी का रहने वाला हूँ। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैडम के द्वारा शायद आपको जी क्या दरअसल 3 दिन पहले का मारपीट का एक मामला है परिवारिक की, मेरे चाचा द्वारा मारपीट गई थी, तो मैं जिसकी कंप्लेन करने थाने पहुंचा हुआ था, रात में तकरीबन 11 बजे की बात है, तो वहां पे मेरी कंप्लेन लिखी नहीं गई, कुछ कांस्टेबल्स वहां जो उपस्थित थे उनके द्वारा नॉर्मल NCR करा के और मेरा आधा अधूरा मेडिकल कराया गया, वो भी पूर्ण नहीं किया गया। उसके बाद मैं दूसरे दिन पुनः कंप्लेन करने के लिए सुबह जब पहुंचा तो TI मैडम से 2 मिनट के लिए मुलाकात हुई। TI मैडम ने अपने कांस्टेबल को बोला कि आप कंप्लेन लिखो, लेकिन उसने कंप्लेन नहीं लिखी और मैडम ने भी सिर्फ मुझे सुनाने के लिए बोला, क्योंकि एक TI की बात तो कांस्टेबल न माने ऐसा हो नहीं सकता है, सबसे ऊपर का अधिकारी होता है थाने का। फिर तीसरे दिन मैं वहां कोई आधा घंटा 1 घंटे खड़ा रहा, कोई ध्यान नहीं दिया गया। तीसरे दिन फिर कंप्लेन करने अपने बीवी बच्चों के साथ गया हुआ था मैं, तभी मैडम मुझे नहीं मिली, वाहन बाहर था। और कुछ देर बाद शाम के वक्त मुझे फोन आया जिसमें मैंने फिर दरख्वास्त करी कि मैडम मेरी FIR लिखी जाए, तो मुझे अभद्र तरीके से गाली दी, जूता मारने की बात कही कि तुझे थाने आएगा तो जूते से मारूंगी और तू मर भी जाएगा तो तेरी कंप्लेन नहीं लिखूंगी। साथ में नेताओं को भी और साथ में जो राजनीतिक पार्टी, जबकि मैंने किसी नेता का ना कोई नाम लिया ना ये बोला नेता, पूरी बात की रिकॉर्डिंग भी निकाली जा सकती है तो पुलिस प्रशासन के पास राइट भी है, तो ये भी बोला मुझे किसी नेता से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, यही प्योर शब्द थे, और तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी जो बिल्कुल। मैं चाहता हूं वरिष्ठ अधिकारियों से कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इस पे उचित कार्रवाई की जाए मैडम के ऊपर, और इस तरह से अन्य भविष्य में अन्य किसी के साथ ये घटना ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कलेक्टर कार्यालय SP ऑफिस जाऊंगा, वहां कंप्लेन करूंगा और धरने पर बैठूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।